ऐसा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा जिसमें पक्ष और विपक्ष विशेष सत्र में और माननीय राज्यपाल महोदय को भेजती है कि इस विधेयक को आप भारतीय संसद के विचार के लिए और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है आप इसको अग्रसरित करें। हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। लेकिन बहुत लंबा वो पाठ है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार। हमने भी तो वही बात कही, हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 राज्य सरकार भेज सकती है और उस पर संसद विचारोपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। और यही तो स्पिरिट था विधानसभा में, आप सबने देखा, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक अधिकार कायम रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को, जो विधानसभा भी के संरक्षक भी है, अभी बजट सत्र के पहले दिन वो जाके उसको संबोधित भी करेंगे और उनकी सरकार बजट भी पेश करेगी, यदि वही विधानसभा अपने संरक्षक को कहती है कि आप 9वीं अनुसूची के लिए इसको भेजिए तो आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35 याद आ जाता है। 31 भी तो रहना चाहिए था ना उस गणना में। आखिर राजभवन यदि इस राज्य के लोगों का संरक्षण का काम नहीं करेगी तो 5वें अनुसूची में इस राज्य का जो हिस्से आते हैं उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्योंकि आप न केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बल्कि इस संविधान के जो संरक्षक माननीय राष्ट्रपति हैं आप उनके भी प्रतिनिधि। इससे हम लोग यहां के मूलवासी आदिवासियों तक का सीधा जुड़ाव,
उसको इनिशिएट करते हैं, तब तक कुछ झारखंड विरोधी जो बाहरी तत्व है उस पर अपना आंख तरे देते। अब तो हमको लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शाब्दिक अर्थ जो बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी हो गई। करना है तो खुल के करे ना खतियान का विरोध, बोलना चाहिए हम खतियान के खिलाफ। और हमको लगता है कि ऐसे स्थितियों से हम लोगों को बचना चाहिए। आज इसी बात को आप लोगों से साझा करना था कि जो आर्टिकल 16(3) और 35 के बीच में जो 31(b) है उसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद को इस विधेयक को प्रेषित करनी चाहिए। धन्यवाद। मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही, सरकार तमाम कानूनी विषय पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। तो आपने कहा भाजपा को एक्सपोज, किस तरह से एक्सपोज, कोई आंदोलन होगा, क्या होगा? नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए, आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर, हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।